नमस्कार दोस्तों, अभी अभी जियो ने ट्राई प्रमुख आर एस शर्मा को 14 अक्टूबर को एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने ये बोला है कि बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ये कंपनियां आईयूसी चार्ज के नाम पे फ्रॉड कर रही है। आपको अगर ट्राई नहीं पता तो मैं पहले बता दूं, ट्राई मीन्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें इनका कहना ये है कि ये कंपनियां लैंडलाइन नंबर को मोबाइल नंबर बता के आईयूसी चार्ज कर रही हैं और उससे ये कंपनियां रिवेन्यू जनरेट कर रही हैं। कहां तक ये सच है कहां तक झूठ इसका अभी पता नहीं चला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इससे जो भी रिवेन्यू जनरेट हुआ है ये रिवेन्यू हमें वापस चाहिए और इसके साथ साथ उन्होंने ये बोला इससे जियो को लॉस हो रहा है, साथ ही साथ देश को भी लॉस हो रहा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि इससे जियो को लॉस हो रहा है या देश को लॉस हो रहा है। देश को तो मुझे लगता नहीं लॉस होगा, बट जियो को जरूर हो रहा है क्योंकि अभी अभी देखा होगा आपने जिस तरीके से बीएसएनएल आगे जा रही है उसका ग्राफ ऊपर हो रहा है और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, उससे जियो का ग्राफ तो नीचे जाना ही जाना है। दोस्तों मुझे तो पहले से पता था कि पीएसयू के आगे जियो या कोई और दूसरी कंपनी नहीं चल सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कैपेबिलिटीज ज्यादा है, उनमें टैलेंट ज्यादा है। दोस्तों इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जियो को लॉस हो रहा है। आप मुझे बताइए कि जियो बेटर है या बीएसएनएल बेटर है या कौन सी कंपनी का आपको नेटवर्क सबसे अच्छा लगता है, उसकी सर्विस आपको सबसे अच्छी लगती है। आप अपने कमेंट को जरूर बता के जाइएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर बटन पे क्लिक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे हम ऐसे ही और ढेर सारी टेलीकॉम से रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड न्यूज आप तक लेके आते रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।